हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द एनलाइटेंड एकेडमी। मेरा नाम है धीरज और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एंड द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट फॉल आर्मी वॉर्म, राइट। ये एक इंसेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो समझते हैं पूरे डिटेल में कि बेसिकली ये इंसेक्ट क्या है और किस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जानने को। बट बिफोर वी बिगिन, ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अपने सवाल और सुझाव आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स बिगिन। फॉल आर्मी वॉर्म, यू नो एज इवन इसका नाम भी बहुत वजनदार है, फॉल आर्मी वॉर्म, और बेसिकली इस इंसेक्ट को ये नाम सूट भी करती है। तो समझते हैं कि क्या है ये, राइट। वैसे इसका साइंटिफिक जो नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है स्पोडोटेरा फ्रूगी पैरडा, राइट, स्पोडोटेरा फ्रूगी पैरडा। तो ये एक एग्रीकल्चरल पेस्ट है, एग्रीकल्चरल पेस्ट दैट मीन्स इंसेक्ट है जो 80 से भी ज़्यादा टाइप के क्रॉप्स को हार्म पहुँचा रहे हैं, राइट, और काफ़ी हद तक पूरी कृषि दैट मीन्स क्रॉपिंग को बर्बाद करने की पोटेंशियल रखते हैं ये। हाल ही में भारत के 50 से भी ज़्यादा स्टेट्स में ये इंसेक्ट पहुंच चुकी है और मेजर क्रॉप्स लाइक मेज, चावल, मक्का, राइस, वीट जैसे क्रॉप्स को नष्ट कर चुकी है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो ये बिल्कुल भी एक गुड न्यूज़ नहीं है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द फार्मर फसलों पे निर्भर करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आय के लिए, करेक्ट। और ये काफ़ी बड़ा, जैसा देखा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ा फूड सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल रही है धीरे धीरे। तो पूरी डिटेल में हम समझेंगे कि क्या है, क्यों है ये इतना डेंजरस पेस्ट। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं। ये इंसेक्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई थी अगस्त 2018 में कर्नाटका के चिक्कबल्लापुर में, राइट। सबसे पहली बार ये रिपोर्ट हुई थी कर्नाटका के चिक्कबल्लापुर में, जहाँ पे ये अटैक की थी मेज क्रॉप को, और तभी से ये भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों में पेनेट्रेट कर चुकी है, फैल चुकी है। इस पेस्ट के इतने फास्ट पेनेट्रेशन का रीज़न क्या है, मतलब क्यों इतनी तेज़ी से ये पेस्ट पूरे भारत देश में इतनी रैपिडली पहुंच रही है, जहां पे अगस्त में फर्स्ट टाइम ये कर्नाटका में देखी गई थी और राइट नाउ अभी ये मई है और ये पूरे आधे से ज़्यादा इंडिया में पेनेट्रेट कर चुकी है। तो इसका रीज़न क्या है, तो बेसिकली ये समझेंगे कि इसके रीजन्स तीन है, करेक्ट। पहली रीज़न जो है इसके फास्ट पेनेट्रेशन की, वो ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को अटैक कर सकती है, दैट मीन्स कि मल्टीपल क्रॉप्स को अटैक कर सकती है। इधर वो चावल हो, गेहूं हो, मेज़ हो, सोयाबीन हो, एट्सेट्रा। इवन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 80 से भी ज़्यादा क्रॉप्स को ये अटैक करने की कैपेबिलिटी रखती है। दूसरा रीज़न ये है कि ये एक रात में, दैट मीन्स नाइट में, 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। और मैं यहाँ पर रात क्यों बोल रहा हूँ कि एक रात में, क्योंकि ये जो बेसिकली दिस पेस्ट इज़ ट्रैवलिंग इन द नाइट, ये सिर्फ रात में ट्रैवल करती है, फ्लाई करती है, और ये फ्लाई करते हुए एक रात में 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिव है कि एक नाइट में इतने दूर तक ट्रैवल कर पाना किसी भी पेस्ट के लिए, तभी ये इतनी कम समय में इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन कर पा रही है, राइट। एंड द थर्ड रीज़न जो है इसकी पेनिट्रेशन का, वो ये है कि इस पेस्ट की जो एडल्ट फीमेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, जो अपने पूरे जीवन काल में, दैट मीन्स लाइफ साइकिल में, 1000 से भी ज्यादा अंडे दे सकती है, करेक्ट। इतने अंडे वो दे सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल एडल्ट अपने लाइफ टाइम में इतने दे सकती है। तो दिस मच, अगर बहुत ज़्यादा इतने सारे फीमेल एडल्ट्स होंगे इस पेस्ट के, तो वो कितने से कितने ज़्यादा अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, राइट। लेकिन ये पेस्ट क्या इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, सवाल ये है, नहीं, ये बिल्कुल भी इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुआ। ये पेस्ट पहली बार डिस्कवर हुई थी नाइजीरिया, दैट मीन्स एक अफ्रीका की कंट्री है नाइजीरिया, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, और अफ्रीका के 44 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये पहुँच चुकी है और वहाँ से एशिया कॉन्टिनेंट तक इवन अब रीच कर चुकी है बहुत ही जल्दी ही। नाउ फॉल आर्मी वॉर्म का जो नाम है, दैट इज़ फॉल आर्मी वॉर्म, इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो मार्चिंग कैपेबिलिटी जो इसकी ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज़ 100 किलोमीटर पर नाइट, वो एग्जैक्टली आर्मी की तरह ही है। बेसिकली आर्मी 100 किलोमीटर पर नाइट ट्रैवल नहीं करती है, लेकिन फिर भी जो दोनों की टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी, वो सेम लाइक है कि ये भी उसी स्पीड में मार्च करते हुए जा रही है एक रीजन से दूसरे रीजन। तो ये फॉल आर्मी वॉर्म भी एक
रीज़न से दूसरे रीज़न बहुत ही फास्टली ट्रैवल कर रही है। तो ये आर्मी की एक टेंडेंसी जो मार्चिंग कैपेबिलिटी होती है उससे मैच करती है, इस वजह से इसका नाम रखा गया फॉल आर्मी वर्म, राइट। सो ये पेस्ट सिर्फ समर और ऑटम सीजन में ही एक्टिव होती है क्योंकि कोल्ड वेदर या कोल्ड क्लाइमेट में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो ये है इसकी सबसे बड़ी बात कि इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी से जस्ट समर एंटर हुई है इंडिया में और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। सो दिस मॉथ स्पीसीज हैज़ द टेंडेंसी टू रेजिस्ट, इवन इज दिस मॉथ स्पीसीज हैज़ द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द पेस्टिसाइड एज वेल। कि एक चौथा रीज़न ये भी है इसका कि ये पेस्टिसाइड्स को, अगर जो केमिकल्स होते हैं सब्सटेंसेस जो पेस्ट को किसी इस तरह के कीड़े को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसका भी असर इन पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न है इसकी पेनिट्रेशन के, करेक्ट। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये इतना फास्टली स्प्रेड कर रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, करेक्ट। नाउ अब देखते हैं कि बेसिकली ये इंडिया में कैसे रीच कर गई है, ये कैसे स्प्रेड की है इंडिया में। तो इंडिया में ये कर्नाटका से सबसे पहले कर्नाटका के जो मेज क्रॉप्स थी वहाँ से ये आंध्र प्रदेश पहुँची है, फिर आंध्र प्रदेश से पूरे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, इवन हर दिशा में ये ट्रैवल कर रही है, करेक्ट। और करते करते महाराष्ट्र हो, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक मिजोरम, मेघालय, वहाँ तक ये रीच कर चुकी है और आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को कवर कर लेगी अगर इसको कर्ब नहीं किया गया तो। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने वाली ये है कि तमिलनाडु में इस इंसेक्ट ने सुगर केन क्रॉप को हार्म किया, वहीं MP में सोयाबीन जैसे क्रॉप्स को हार्म किया, फाइनली आपने कर्नाटका में देखा है कि वहाँ पे मेज क्रॉप को हार्म किया। सो बेसिकली दिस शोज दैट कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू अफेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्रॉप। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 80 से भी ज़्यादा क्रॉप को पेनिट्रेट और अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, करेक्ट। तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब ये हो चुका है कि किस तरीके से इस पेस्ट को कंट्रोल किया जाए। द गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो इस पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि इंडिया जैसी पॉपुलेशन अगर ये कंट्रोल नहीं की गई तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए, और जो एकदम बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इंडिया जितनी इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री है उसके लिए, करेक्ट। सो अब इसको देखते हैं कि कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है तो इसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं ना, आप इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो इसकी नेचुरल प्रीडेटर होती है, नेचुरल प्रीडेटर का मतलब है कि जिसका फूड फॉल आर्मी वॉर्म हो सकती है, कि वो सारे इंसेक्ट जो फूड फॉल आर्मी वॉर्म को कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं, दैट मीन्स प्रीडेटर, वो है लाइक कॉसिनेलिड एक बीटल है, बीटल आपको भी पता है एक कीड़े की तरह होती है बीटल, वो इसको कंज्यूम करती है। प्लस एक फंगल स्पीसीज है दैट इज नोमोरिया रियली, ये भी एक इंसेक्ट है जो बहुत ज़्यादा बेसिकली अफेक्टिव होती है कि इस स्पीसीज़ को ख़त्म करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि लाइक अगर हम ये बीटल्स की कॉसिनेलिड बीटल्स की अगर मैं उसको छोड़ देते हैं फील्ड में तो डेफिनेटली वो फॉल आर्मी वॉर्म को कंज्यूम तो कर लेंगे, लेकिन ये बीटल्स भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है क्योंकि ये खुद भी प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के यूज़ आती है, ये खुद भी प्लांट को, बट हाँ जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरीके से फॉल आर्मी वॉर्म बर्बाद कर रही है पूरे फूड क्रॉप्स को, उतने स्पीड से वो नहीं करेगा। तो ये एक इफेक्टिव वे हो सकता है जहाँ पे फॉल आर्मी वॉर्म को कंट्रोल किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे जो इनकी ब्रीडिंग प्रीडेटर होती है, जो इसके अंडे होते हैं लाइक वास्प, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, एक जर्म वारफेयर हम स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे अगर एक फीमेल एडल्ट 1000 एग्स अगर ले करती है तो जो दूसरी जर्म होंगे बेसिकली वास्प होंगे वो जा करके अटैक करेंगे अंडों में, तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, ब्रीड नहीं होगी। तो इस तरीके से भी हम इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं लाइक लामडा, साइलाहेरोथ्रीन, कार्बोफ्यूरान एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ओवर यूज़ ऑफ द इंसेक्टिसाइड भी बहुत अच्छी बात नहीं है किसी भी क्रॉप्स के लिए। तो ये बहुत ही अजीब सी, बहुत ही क्रूशल सी सिचुएशन हो गई है इंडिया में कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए या नहीं किया जाए। तो गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरे इंडिया में फैल जाए
जाएगी, और मोस्ट ऑफ द अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अगर ये पूरे इंडिया में रीच करती है तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हैं उसको अफेक्ट करेगी, और ये बहुत ही डेंजरस फूड सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है इंडिया जैसे कंट्री के लिए, करेक्ट? तो ये एग्ज़ाम के पर्स्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, एज वेल एज द इकोनॉमी में अगर फूड सिक्योरिटी पर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप इस टॉपिक को वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं कि इस तरह की एग्रीकल्चरल थ्रेट देखने को मिल रही है जिससे फूड सिक्योरिटी हमारी हैम्पर हो सकती है। इवन अभी रिसेंटली म्यांमार में भी ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो म्यांमार ने भी अपने ड्रोन से यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स को का छिड़काव किया है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इंटरेस्टिंग फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में, कि किस तरीके से ये हमारे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है, और कितना ये एक अलग टाइप, एकदम यूनिक टाइप ही ऑफ पेस्ट है जो इतनी इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी बातें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे एनलाइटेंड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।